बच्चों, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में आज हम आपको करवाएंगे रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी 1992, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हमने पिछले पीरियड में किया था, जब पूरे देश में इसको लागू किया गया तभी से इस नीति का राजनीतिक स्तर पर विरोध होने लगा। आज भी अगर देखा जाए तो 1986 की जो पॉलिसी है उसी को फॉलो बहुत से स्टेप्स पे किया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक विरोध राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हुआ। विभिन्न प्रांतों में जो गैर कांग्रेसी सरकारें थीं उन्होंने इस नीति के प्रति अपनी जो शंका है वो व्यक्त की कि ये नीति सही नहीं है, इस पर बहुत से जो सवाल या निशान हैं खड़े हुए। गैर कांग्रेसी दलों ने नीति का विरोध किया। अखिल भारतीय जो शिक्षा बचाओ समिति है उसका गठन किया गया। परिणाम स्वरूप नीति विरोधी आंदोलन इतने तीव्र हो गए कि राजीव गांधी की सरकार ने विरोध की चिंता न करते हुए फिर भी इस नीति को अपनाया। शीघ्र ही केंद्र की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की सरकार टूट गई। श्री वीपी सिंह देश के नए प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1986 की नीति का विरोध किया और नीति की समीक्षा के लिए आचार्य राममूर्ति के नेतृत्व में समिति का गठन किया, जिसे आचार्य राममूर्ति समिति के नाम से ही जाना जाता है। समिति अभी अपना कार्य कर ही रही थी कि केंद्र में पुनः राजनीतिक हलचल हुई और वीपी सिंह की सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा। श्री चंद्रशेखर देश के नए या अगले प्रधानमंत्री बने, परंतु समिति अपना कार्य करती रही जो आचार्य राममूर्ति समिति का गठन हुआ था। अपना कार्य करती रही और दिसंबर 1991 में अपनी रिपोर्ट सरकार को समिति ने प्रस्तुत की। रिपोर्ट पर अभी चर्चा होनी बाकी ही थी कि 1992 यानी 1992 में कांग्रेस सरकार फिर सत्ता में आ गई और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार की इच्छा थी कि 1986 की जो शिक्षा नीति है उसी को कार्यान्वित किया जाए या उसी पर कार्य किया जाए, परंतु आचार्य राममूर्ति की समिति की जो रिपोर्ट थी ये संसद में विचार विमर्श के लिए आई हुई थी या पड़ी थी। उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने श्री जनार्दन रेड्डी के नेतृत्व में 1986 की नीति को आधुनिक समय में भारतीय शिक्षा की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुनः विचार विमर्श के लिए समिति का गठन किया, जो जनार्दन रेड्डी समिति के नाम से जानी जाती है। श्री जनार्दन रेड्डी ने अपनी रिपोर्ट 1992 ईस्वी में केंद्र सरकार को सौंपी। मानवीय संसाधन एवं विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने 7 मई 1992 को संशोधित शिक्षा नीति को संसद में प्रस्तुत किया और कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति मौजूदा समय में भी सही है, पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुए विकास के कारण इसमें कुछ परिवर्तन अनिवार्य हो गए थे जिस कारण इसे सुधारा गया है। नीति वही रही परंतु उसका एक संशोधित रूप ही प्रस्तुत किया गया। संशोधित शिक्षा नीति 1992 में अधिक परिवर्तन नहीं किए गए, इसमें केवल 2 नए अनुच्छेदों को जोड़ दिया गया, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली
समानता के लिए शिक्षा का अधिकार अनुसूचित जाति और वयस्क शिक्षा को ही संशोधित किया गया। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के पुनर्संगठन एवं शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया के नवीनीकरण का सुधार दिया गया, जबकि शेष सभी शीर्षक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाले ही थे। 1992 में संशोधित की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसकी विशेषताएं क्या रही, जो हम 1986 की नीति में भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहला था, क्योंकि 1986 की में 12 पॉइंट्स दिए गए थे, 12 पॉइंट्स के अंतर्गत पूरी शिक्षा नीति तैयार की गई थी। इसमें जो प्रथम था राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, जिसमें शैक्षिक ढांचा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में हम कर चुके हैं। 10+2+3 यानी 10 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा, 2 वर्ष की अन्य अतिरिक्त शिक्षा जिसको हम 10+2 कहते हैं, और उसके बाद 3 साल की जो उच्च शिक्षा आधार पर 3 वर्ष की डिग्री जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इसमें शिक्षा के संरचना की बात की गई, राष्ट्रीय शिक्षा की संस्थाओं के महत्व की भूमिका को स्वीकारा गया, और उसके बाद था समानता की शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति की शिक्षा जिसमें प्राथमिक आधार पर विद्यालय, वयस्क शिक्षा जिसमें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता अभियान आदि का जिक्र किया जाता है, वयस्क और निरंतर शिक्षा के अंतर्गत जिसमें एडल्ट एंड कंटिन्यूस एजुकेशन देने की बात कही गई कि कहीं भी व्यवधान ना हो, कोई रुकावट ना हो, इसके लिए दूरस्थ कार्यक्रम चलाए गए, इसके लिए वयस्कों को उनकी रुचि के अनुसार ही उनकी शिक्षा को जारी रखने में विभिन्न प्रकार के केंद्रों की स्थापना करना, विद्यार्थी समूह और संगठनों के निर्माण करके उनके निर्णय सभाओं का आयोजन करके भी वयस्क शिक्षा को निरंतरता में लाया जा सकता है। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्संगठन, जिसमें प्राथमिक शिक्षा या शिक्षा के 3 पक्षों की बात कही गई है, जिसमें सार्वभौमिकरण, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को विद्यालय में व्यापक रूप से ठहराव या उनको रोक के रखना, शिक्षा में गुणवत्ता पूर्वक सुधार करना, और बच्चा आवश्यक शिक्षा ग्रहण करने के योग्य जब तक हो जाए तब तक उसको विद्यालय में ही उसका प्रवेश बनाए रखना, विद्यालय संबंधी सुविधाओं के अंतर्गत जो 1986 में हम पढ़ चुके हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लागू किया गया, जिसमें विशेष जो शिक्षण सहायक सामग्री हैं, विशेष जो सुविधाएं हैं वो विद्यार्थी को उपलब्ध करवाना, जिसमें औपचारिक अनौपचारिक रूप से दोनों प्रकार से विद्यार्थियों को शिक्षित किया जा सकता है। आधुनिक जो शिक्षण की तकनीक हैं उनको प्रयोग में लाया जाए, जिससे शिक्षा में गुणात्मक और रूप से सुधार किया जा सके, क्योंकि जब तक शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं होगा तब तक सही रूप से शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण नहीं होंगे। एक निश्चय किया गया माध्यमिक शिक्षा में इसके विस्तृत क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इसकी गति निर्धारित करने वाले विद्यालय, जिसमें नवोदय विद्यालय आदि का जिक्र किया जाता है, क्योंकि नवोदय विद्यालय ग्रामीण मेधावी छात्रों को योग्यता को ध्यान में रखते हुए जो नवोदय विद्यालय हैं वो प्रारंभ किए गए। व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण होना चाहिए, इसमें लचीलापन होना चाहिए, इसके लक्ष्यों को निर्धारित किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा के संदर्भ में कि स्वायत्त आयोग की स्थापना हो, मुक्त जो या दूरस्थ जो शिक्षा केंद्र हैं वो यानी ओपन स्कूल्स एंड द डिस्टेंस एजुकेशन, इनका जिक्र किया गया, और जो इग्नू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना हुई, इंदिरा गांधी ओपन नेशनल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई,
जो नेशनल ओपन स्कूल्स हैं उन वो शिक्षाएं लागू हुई। विषय सामग्री तथा शिक्षा के नवीनीकरण का जिक्र करते हुए उन्होंने जनसंख्या शिक्षा, राष्ट्रीय परीक्षा सुधार संरचना आदि का जिक्र किया। शिक्षक शिक्षा का जिक्र करते हुए इन्होंने शिक्षक ही समाज का दर्पण बताया कि जैसा शिक्षक होगा उसी के अनुसार ही वो आगे विद्यार्थियों को शिक्षित करेगा। भर्ती और सेवा शर्तों को सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया गया। शिक्षक संघ स्थापित हुए। शिक्षक शिक्षा का पुनर्निरीक्षण हुआ। परीक्षण संस्थाएं अध्यापकों के लिए यानी अच्छे प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक था कि प्रशिक्षण संस्थाएं खोली जाएं। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का संगठन किया गया। ये सभी पॉइंट्स बच्चों हम 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके अंतर्गत पढ़ चुके हैं। शिक्षा के प्रबंधन का जिक्र इसमें हुआ जिसमें शिकायतों के निवारण की बात आती है, क्योंकि नीति में शिक्षकों के साथ या शिक्षा के से संबंधित विषयों के समाधान के लिए एक शैक्षिक ट्रिब्यूनल की स्थापना का संबंध में कहा गया कि ये ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर स्थापित किए जाने चाहिए। एजुकेशनल ट्रिब्यूनल भी 1992 की जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके परिणाम स्वरूप ही लागू हुआ। ये थी बच्चों जो 1992 की संशोधित यानी रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी है कि उसके मेन फीचर्स क्या थे, उसकी क्या मेन गुणवत्ता रही। अब हम क्योंकि ये पूरा का पूरा जितना भी रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी है ये सारी की सारी पॉलिसी 1986 की पॉलिसी है जिसको राजीव गांधी ने तैयार करवाया था। अब हम इस चर्चा के आधार पर कह सकते हैं कि केंद्रीय सरकार मूल रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू करना चाहती थी, परंतु जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई, परिवर्तन आते गए, जिसमें केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकारें बनती गई, इसलिए जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसको पुनर्विचार करने के लिए आचार्य राममूर्ति के नेतृत्व में समिति का गठन हुआ। समिति ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो चंद्रशेखर सरकार को सौंपी। अभी समिति की रिपोर्ट पर विचार होने ही वाला था कि केंद्र में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनी। वो राजीव गांधी द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना चाहती थी, परंतु आचार्य राममूर्ति की रिपोर्ट के कारण कांग्रेस को एक बार फिर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो समीक्षा है वो जनार्दन रेड्डी के अधीन समिति का गठन करके करनी पड़ी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1992 में सरकार को सौंपी और इस प्रकार से रिपोर्ट में कुछ नए प्रावधान दिए गए, जैसे प्लस टू स्तर को विद्यालयों की शिक्षा के एक भाग के रूप में व्यवस्थित किया गया, सौंपा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एजुकेशन को शिक्षा की मुख्य भूमिका के रूप में जाने जाने की नई व्यवस्था लागू की गई। जनजाति क्षेत्रों में विद्यालयों के निर्माण तथा उनके प्रबंधन के लिए विशेष जो जवाहर रोजगार योजना आदि का कार्य था या जनजाति कल्याण योजनाओं के अंतर्गत किए जाने की बात की गई। वयस्क शिक्षा की गति को और अधिक तीव्र बनाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन या राष्ट्रीय साक्षरता अभियान आदि का कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें 15 से 35 वर्ष के सभी वयस्कों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा देने की बात कही गई। इस योजना के अंतर्गत रोजगार तथा कार्यक्रमों को उत्साह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत अनेक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सुविधाओं में वृद्धि की गई। अनौपचारिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाकर उन्हें औपचारिक शिक्षा के समान लाने का प्रयास किया गया।
माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विस्तृत करने के साथ साथ नवोदय विद्यालयों के का भी बड़ा विस्तार हुआ, प्रसार हुआ। व्यावसायिक शिक्षा के स्तर पर इस लक्ष्य को लेकर व्यावसायिक शिक्षा को चालू किया गया, लागू किया गया और दो लक्ष्य रखा गया कि 2000 तक माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को 25% व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करेगा। उस शिक्षा में सहभागिता को बढ़ाने में दूरस्थ शिक्षा को या डिस्टेंस एजुकेशन को विस्तृत स्तर पर फैलाए जाने की व्यवस्था की गई। देश में बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से जनसंख्या शिक्षा को विद्यालय पाठ्यक्रम में बनाए रखने के और प्रबंध करने की बात कही गई। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए, राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था की गई। समस्याओं के समाधान के लिए शैक्षिक ट्रिब्यूनल बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त नीति के अन्य किसी भी पक्ष के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, अर्थात संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने केवल भारत की बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केवल कुछ पक्षों में ही सुधार किया, जबकि शेष सारी नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाली ही है। तो ये थी बच्चों रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। आज के लिए इतना ही, कल हम किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।